कमरे में गहरा सुकून तारी था। एक बैजवी मेज के दोनों अतराफ में एक उधेड़ उम्र औरत एक नौजवान लड़की बैठी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ दो उधेड़ उम्र मर्द भी मौजूद थे। वो सब खामोश बैठे हुए थे, जबकि दरमियान में मौजूद एक ऊंची पुश्त वाली कुर्सी खाली पड़ी हुई थी। चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाजा खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा उसके जिस्म की मुनासबत से काफी चौड़ा था और उसकी आंखों में तेज चमक मौजूद थी। उसने गहरे नीले रंग का सूट पहना हुआ था। अपने चेहरे मोरे और अंदाज से वो कोई लॉर्ड दिखाई दे रहा था। उसके अंदर दाखिल होते ही मेज के गिर्द बैठे हुए चारों अफराद उठकर खड़े हो गए। बैठो, आने वाले ने भारी आवाज में कहा और खुद उस ऊंची पोस्ट वाली कुर्सी पर बैठ गया। हार्च को तबाह कर दिया गया है, उसके तमाम ग्रुप्स का तकरीबन खात्मा हो चुका है, उसका सब हेडक्वार्टर धमाकों से मसागर क्लब समेत उड़ा दिया गया है। स्टैचू अपने तमाम साथियों समेत हलाक हो चुका है, सब हेडक्वार्टर में मौजूद तमाम मशीनरी तबाह हो गई है और ये सब कुछ चंद पाकिस्तानियों ने किया है। सुन रहे हो, इंतहाई पसमानदा एशियाई मुल्क पाकिस्तान के चंद अफराद ने, और ये भी बता दूं कि इन पाकिस्तानियों से पहले बाकारी टकराई और वो हलाक कर दी गई, फिर राइट टकराया और वो भी उनके हाथों हलाक हो गया, फिर फिशर का भी उन्होंने खात्मा कर दिया और आखिर में सब हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। जबकि मलबे से स्टैचू की जो कटी फटी लाश मिली है उसके मुताबिक उसे गोली मारकर हलाक किया गया है। गोली उसकी टूटी हुई खोपड़ी में मौजूद थी। उसकी औरत मार्था और 17 अफराद की लाशें भी मिली हैं। इन सबको गोलियां मारकर हलाक किया गया है। इसका मतलब है कि ये पाकिस्तानी एजेंट सब हेडक्वार्टर में दाखिल होने में कामयाब हो गए और फिर वो उसे तबाह करके और सब हेडक्वार्टर के तहत काम करने वाली तमाम तंजीमों और ग्रुप्स की फाइलें भी साथ ले गए और फिर वहाँ असला खाना में बम धमाका हुआ और सब हेडक्वार्टर और क्लब सब कुछ तबाह हो गया। फिर मुझे मुसलसल इन ग्रुप्स और तंजीमों के इन ममालिक की सरकारी एजेंसियों के जरिए खात्मे की इत्तला मिलना शुरू हो गई। मालूम हुआ है कि उनके पास बकायदा फाइल थी जिसमें ग्रुप और तंजीम के बारे में मुकम्मल तफसीलात मौजूद थी। इसलिए हार्च के मेन हेडक्वार्टर के डायरेक्टरान की ये खसूसी मीटिंग कॉल की गई है। अब बोलो तुम क्या कहते हो, उस आदमी ने तेज तेज और मुसलसल बोलते हुए कहा। बिग बॉस, सब हेडक्वार्टर की तबाही का फौरी इंतकाम लिया जाना जरूरी है और मेरे राय है कि हम पूरी कुव्वत से पाकिस्तान पर टूट पड़े, वहाँ की तमाम अहम तनसीबात को उड़ा दें, तमाम आला हुकाम को लाशों में तब्दील कर दिया जाए और मेन हेडक्वार्टर ऐसा कर सकता है, एक उधेड़ उम्र आदमी ने कहा। हार्च सिर्फ यूरोप और अक्रेमिया तक महदूद थी और यहाँ हमारा काम इंतहाई आला पैमाने पर हो रहा था। अक्रेमिया और यूरोप की इंतहाई बावसाइल और ताकतवर एजेंसियाँ आज तक सब हेडक्वार्टर का सुराग ना लगा सकी थी, लेकिन इससे टाचू से हमाकत हुई। उसने पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क काफ्रिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का एक डैम उड़ाने की बुकिंग कर ली। स्टैचू की वजह से हमने भी उसकी मंजूरी दे दी, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक यह इंतहाई आसान टास्क था और फिर काफ्रिस्तान उसका बहुत भारी मुआवजा दे रहा था, लेकिन फिर अचानक ये सब कुछ होता चला गया और अब तुम कह रहे हो हैगरी के हम पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ शुरू कर दें। जो लोग एक डैम को तबाह होने से बचाने के लिए इस कदर तेज कार्रवाई कर सकते हैं कि सब हेडक्वार्टर का खात्मा कर दें और टॉप ग्रुप्स को हलाक कर दें, वो क्या खामोश रह जाएंगे? नहीं, मैं उसकी इजाज़त नहीं दे सकता। फिलहाल हमने सिर्फ इस पाकिस्तानी ग्रुप का खात्मा करना है, बाद में सोच लिया जाएगा कि पाकिस्तान से किस तरह और किस किस्म का इंतकाम लिया जा सकता है। बिग बॉस ने पहले की तरह तेज तेज और मुसलसल बोलते हुए कहा तो उस उधेड़ आदमी जिसका नाम हैगरी लिया गया था होंठ पिंच कर खामोश हो गया। बिग बॉस, ये पाकिस्तानी कौन हैं? उनके बारे में क्या मालूमात हैं और ये अब कहाँ हैं? दूसरे उधेड़ उम्र आदमी ने कहा। उनके बारे में सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और उनके लीडर का नाम इमरान है और इस ग्रुप में दो औरतें और चार मर्द शामिल हैं, बिग बॉस ने जवाब देते हुए कहा। ये ग्रुप कहाँ है? उधेड़ उम्र ने पूछा। उनके बारे में कुछ मालूम नहीं कि वो लोग कहाँ हैं, बिग बॉस ने जवाब देते हुए कहा। बिग बॉस, मेन हेडक्वार्टर के पास सबसे तेज और खतरनाक तरीन ग्रुप है सकापर ग्रुप, आप उन्हें इस ग्रुप का टास्क दे दें, वो इंतहाई बर्क रफ्तारी से काम करते हैं, उसी उधेड़ उम्र आदमी ने जवाब दिया। सकापर ग्रुप का ताल्लुक मेन हेडक्वार्टर से है और पहले सब हेडक्वार्टर मुकाबले पर आकर अपना खात्मा करा बैठा है, अब तुम चाहते हो कि ये लोग मेन हेडक्वार्टर के खिलाफ काम शुरू कर दें, बिग बॉस ने गुस्से लहजे में कहा। तो वो उधेड़ उम्र आदमी दोबारा होंठ पींच कर खामोश हो गया। तुम क्या कहती हो रीटा? बिग बॉस ने उधेड़ उम्र औरत से मुखातिब होकर कहा। बिग बॉस,
सब हेडक्वार्टर तो दोबारा बन जाएगा और नए ग्रुप्स भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन मेन हेडक्वार्टर दोबारा कायम नहीं हो सकता। और ये लोग सब हेडक्वार्टर को तबाह करने के बाद पूरी तरह मुतमिन हो चुके होंगे, इसलिए उन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, उधेड़ उमर रीटा ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि हार्च अब अपने सब हेडक्वार्टर का इंतकाम भी ना ले, ये कैसे मुमकिन है, बिग बॉस ने गुस्सीले लहजे में कहा। बिग बॉस, ऐसी सूरत में मेन हेडक्वार्टर भी ओपन हो सकता है, रीटा ने जवाब देते हुए कहा। तुम खामोश हो इंजला, तुमने कोई राय नहीं दी, बिग बॉस ने उस नौजवान और खूबसूरत लड़की की तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा। बिग बॉस पाकेशिया सीक्रेट दुनिया की खतरनाक तमीन सर्विस समझी जाती है, सुपर पावर्स की इंतहाई बावसाइल और ताकतवर एजेंसियां उसे खौफ खाती हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर यह इल्म है कि उस सर्विस का रूह रवां एक आदमी इमरान है। यह बज़ाहिर बड़ा मासूम सा और सादा सा नौजवान नज़र आता है जो मिज़ाहिया बातें करता है और मिज़ाहिया हरकतें करता है, लेकिन उसका जहन दुनिया का सबसे तेज रफ्तार कंप्यूटर है और उसकी कारकर्दगी इस कदर तेज होती है कि अगर मेन हेडक्वार्टर के बारे में उसे मालूम हो गया तो फिर आप लाख उसके मुकाबले ग्रुप्स ले आएं, ये मेन हेडक्वार्टर का खात्मा करने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप बज़ाहिर खामोश हो जाएं, लेकिन इस इमरान के खात्मा की प्लानिंग दरपर्दा कर दें। अगर ये आदमी हलाक हो गया तो फिर आप पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से भरपूर इंतकाम ले सकेंगे, इंजला ने बड़े मुतरन्नम से लहजे में बात करते हुए कहा। लेकिन ये काम कौन कर सकता है, बिग बॉस ने कहा। इंजला ये काम आसानी से कर सकती है बिग बॉस, मेरा बज़ाहिर कोई ताल्लुक मेन हेडक्वार्टर से नहीं और ना ही मेन हेडक्वार्टर से मेरा कोई रब्ता रहता है। मेरा बज़ाहिर चंद लड़कियों पर मुश्तमिल ग्रुप है जो जुए खानों में शिकार खेलती हैं, लेकिन आपको भी मालूम है कि इंजला ग्रुप किस कदर कामयाबियाँ हासिल कर चुका है। उसकी वजह यह है कि कोई भी ये बात नहीं जानता कि हमारा असल काम दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करना है और इस मामले में हम किसी भी मुल्क के आला हुकाम को ठिकाने लगाती हैं, इंजला ने कहा। ओह वेरी गुड, वाकई तुम ये काम कर सकती हो और किसी को भी ये मालूम नहीं हो सकेगा कि ये काम हार्च ने कराया है, वेरी गुड। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, बाकी डायरेक्टर्स जा सकते हैं। मीटिंग ख़त्म की जाती है, बिग बॉस ने मुसरत भरे लहजे में कहा तो इंजला के चेहरे पर भी मुसरत के तसरात ऊपर आए। उसके साथ ही बिग बॉस उठ खड़ा हुआ तो इंजला समेत बाकी अफराद भी उठ खड़े हुए। बिग बॉस तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया तो इंजला भी उसके पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसे मालूम था कि उनके बाहर जाने के बाद बाकी डायरेक्टर्स भी चले जाएंगे, इसलिए उसने मुड़कर भी ना देखा था कि बाकी डायरेक्टरान के चेहरों पर उसके लिए कैसे तसरात उभरे हैं। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।